बच्चों, अब हम पाठ तीसरा करेंगे। उस पाठ का नाम है किरमिच की गेंद। किरमिच का मतलब है कैनवास। कभी कभी क्रिकेट में कैनवास जो होता है उसकी, टेनिस में भी बॉल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे गेंद कहते हैं। तो देखिए, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और उसकी लेखिका है शांता कुमारी जैन। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। गर्मियों की छुट्टी में सभी बच्चे घर में होते हैं, लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए आराम करते हैं घर में। तो इसी तरह दिनेश नाम का ये लड़का अपने घर में बैठा था, तभी उसके आंगन में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हुई, उसके बगीचे में, पीछे वाले बगीचे में। और रोज़ की तरह वो जानता था कि आवाज़ किसकी है। उसे पता चला कि ये ज़रूर गेंद होगी, तो वो जल्दी से चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हैं? बाहर लू चल रही है। लू का मतलब है तेज़ गर्मी। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। दिनेश ने उस आवाज़ की ओर अपना रुख किया। माँ चिल्लाती रही। माँ घर में मशीन चला रही थी, कोई काम कर रही थी, मशीन पर किसी चीज़ की सिलाई कर रही थी। जब उसने देखा कि दिनेश बिना चप्पल के घर के बाहर निकल रहा है, तो उसने, माँ जी ने दिनेश को मना कर दिया, पर दिनेश नहीं माना। उसे तो उस चीज़ को लेने की पड़ी थी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। उसे लगा कि वो जो चीज़ बाकी बगीचे में आकर गिरी है, वो ज़रूर भिंडी के पौधे के आसपास गिरी है। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बेल यानी क्रीपर, वेल, लता। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस यानी बड़ा चूहा। बागीचे में कई बार चूहे उपद्रव मचा देते हैं, जिस किसी पेड़ के पौधों के रूट यानी जड़ें खा सकते हैं, खाने जैसे हो तो वो खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ अलग अलग जगह पर घूस यानी चूहा, बड़ा वाला चूहा, उसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है, टेनिस जैसे वो कैनवास की गेंद। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। आज उसे एक नई गेंद का लाभ हुआ था, बिल्कुल नई, चमकती चमकीली, और इतनी नई थी कि मानो उसे बाजार से आज ही खरीदा गया हो। नज़र उठाकर उसने पास की तीन मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर, टेरेस में जो आधी लगी हुई दीवार होती है, उसे मुंडेर कहा जाता है। तो वहाँ से लेकर नीचे धरती तक बड़ी तेज़ धूप थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सभी के नाम मन में दोहराए कि हो सकता है इनमें से कोई हो। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल दो चार गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसने सोचा कि नहीं, इस दोपहर में दोस्त तो खेलने से रहे,
तब इस नई गेंद को किसने फेंका होगा? शायद बगीचे में खेलने वाले बच्चों की तरफ से ये गेंद यहाँ आई हो, लेकिन वहाँ तो सिर्फ दो चार गायें ही पेड़ के नीचे आराम फरमा रही थी, सुस्ता रही थी, और कोई नहीं था। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। तो जैसे कि बच्चे जानते हैं, गेंद अगर किसी वाहन मतलब व्हीकल में जाकर गिरे तो उसका पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि कई अलग अलग जगह पर गेंद गई और वह फिर नहीं मिली। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। अंदर से माँ बोली, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गेंद नई थी, ज़रूर किसी बच्चे ने आजकल में उसे खरीदा होगा। तो भले वह गेंद उसे मिली थी और उसकी और उसके दोस्तों की कई गेंदें इस तरह दूसरों के बागीचे में, दूसरों के आंगन में जाकर खो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह समझता था कि हमें बच्चों को पूछ लेना चाहिए कि ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। इस तरह से एक ग्रुप बनाया था, क्लब बनाया था, और क्लब में सब बच्चों को खेलने के लिए सुविधा थी। अगर गेंद गुम हो भी जाए, खो जाए किसी की गेंद, तो फिर से चंदा इकट्ठा करके पैसा एक एक के पास से लेकर नई गेंद को खरीद लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकते हैं। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। हाँ, तो वो गेंद तेरी नहीं हुए है, दिनेश ने कहा। फिर मेरी गेंद होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अधिकार जताते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है, दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। दिनेश भी होशियार था, वह बच्चों की चालाकियों को पहचानता था। उसने कहा, इस तरह गेंद दिखाकर उसकी निशानी बताना तो आसान है, तुम बिना गेंद को देखे उसकी निशानी बताओ तो मैं जानूं और फिर वो गेंद तुम्हारी होगी। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी और ये जो दिनेश के पास जो गेंद थी वो एकदम नई थी, जैसे आज ही किसी ने खरीदी हो। तो 5 महीने पहले की गेंद आज कैसे मिली? और दूसरी बात, ये इतनी नई कैसे हो सकती है? वापरने के बाद, उसको इस्तेमाल करने के बाद तो वो ख़राब हो ही जाती है। दीपक की गेंद 5 महीने खोई थी पहले, और यह कभी नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंक दी थी, अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। इस तरह से दीपक ने भी चालबाजी करनी चाहिए। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह,
सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। इस तरह से गेंद को लेकर बहस हो रही थी। दीपक मानने को तैयार नहीं था कि वो गेंद उसकी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बड़ा था और धूर्त था, वो किसी भी तरह गेंद को हथियाना चाहता था। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूँ कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गट मजबूत होने लगा। 5 महीने पहले खोई हुई गेंद की कीमत वह सुनील से वसूल करना चाहता था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। और उन्होंने उस नए गेंद से खेलना शुरू किया। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। जैसे कि पहले बताया, ऐसा कई बार होता है। एक बार तो उन बच्चों की गेंद एक ट्रक में जा गिरी थी और वो तो फिर मिलने से रही, क्योंकि ट्रक के पीछे भागा नहीं जा सकता। इसी तरह यहाँ उन्होंने बताया कि दो चार बार खेलना ही नहीं था कि गेंद उड़कर एक स्कूटर वाले के सामान रखने की टोकरी में जा गिरी और उस स्कूटर वाले को पता नहीं था। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारकर हंसना, जोर से हंसना। इस तरह थोड़ी देर खेलकर गेंद लापता हो गई और दूसरी जगह चली गई। बच्चों, आपके साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ होगा, आपको भी उन बातों की याद आई होगी, है ना? धन्यवाद। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? ये क है कहानी की बात से पहला ही सवाल है। दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? मैंने इस मशीन को सिलाई की दुकानों में, सिलाई वर्ग में तथा मेरी मौसी के घर देखा है। खो, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को सीताफल के बगीचे में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसे ढूंढने के लिए उसने सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? दिनेश को आवाज़ सुनकर पता लगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। ग, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दिनेश को मिली गेंद एकदम नई जैसी थी। दीपक की गेंद वह हो नहीं सकती थी, क्योंकि वह गेंद 5 महीने पूर्व खोई थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक उस किरमिच गेंद को पाना चाहता था, इसीलिए किसी भी तरह वह बार बार गेंद को अपनी बता रहा था। गेंद किसकी? को, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दीपक ने बताया कि उसकी गेंद पर लाल रंग का निशान था, उसे धरती पर मारने पर टप की जैसी आवाज़ होती है, टप्पा पड़ने पर वैसे ही इस गेंद की आवाज़ होती है। खो,
अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने मेरे पास आते तो मैं गेंद दिनेश को देती, क्योंकि वह गेंद उसे मिली थी। फिर वह गेंद दीपक की तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह जो गेंद थी बिल्कुल नई थी। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताओ। बच्चों ने सभी ने मिलकर क्रिकेट खेलना शुरू किया। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह गेंद उछलकर दरवाज़ा पार कर सड़क पार करते हुए स्कूटर में बनी टोकरी में जा गिरी और चली गई। पहले तो बच्चे चिल्लाते स्कूटर के पीछे भागे, पर स्कूटर के पीछे भागना बेकार था। उसके बाद गेंद दूसरे बच्चों के हाथ लग गई होगी। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे? लिखो। अगर मेरी क्रिकेट की बैट कहीं खो गई हो तो मैं क्रिकेट की बैट की कंपनी का नाम बताऊंगा, साइज़ के बारे में बताऊंगा, उसमें कौन सा कवर चढ़ाया होगा तो उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि घर में मेरी अकेली की बैट होगी, उसे ढूंढना आसान होगा। सामने, यहाँ दूसरा सवाल है कहाँ। सामने की कैरी में भिंडिया के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियाँ बेल और पौधे पर लगती है? बेल पर खरबूजा, तरबूजा, खीरा यानि ककड़ी, द्राक्ष यानि अंगूर और करेला लगते हैं। पौधे पर बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्ची, तुलसी का भी पौधा होता है। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्रिकेट किरमिच, हॉकी रबड़, फुटबॉल चमड़ा, वॉलीबॉल चमड़ा, टेनिस प्लास्टिक। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। और सवाल है खोजो आसपास। को चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है समूहों में चर्चा करो और इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। तो पहले देखेंगे टहनी और तना। टहनी पेड़ की डाली को कहते हैं और तना पेड़ का मुख्य भाग जिसके साथ टहनियाँ जुड़ जाती है। पेड़ और पौधा। पेड़ बड़ा होता है, मजबूत होता है। पौधा छोटा सा 1-2 फीट का होता है, कमज़ोर भी होता है। घूस और चूहा। घूस बड़ी होती है, चूहा छोटा होता है। मुंडेर और चार दीवारी। छत के चारों तरफ उठी दीवार को मुंडेर कहते हैं और घर के आसपास चारों तरफ से आंगन में जो दीवार रखते हैं उस वह मोटी होती है और ऊंची भी बनी होती है और उसमें गेट भी लगाया होता है। घर को जानवर आगंतुक से बचाने हेतु ये बनाई जाती है, सुरक्षा हेतु। खो चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करके लिखो। सरकंडे से सूप, कलम, चटाई, टोकरी, सजावट का सामान बनता है। क्लब बनाए। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच कर लिखो। तो नियम होंगे कि सभी बच्चों को अनुशासन का ध्यान रखना होगा, हर रोज़ अभ्यास के लिए यानी एक्सरसाइज सराव प्रैक्टिस के लिए आना ज़रूरी है। क्लब में मेंबरशिप के लिए कुछ पैसे भरने होंगे, वो शायद मासिक हो या सालाना हो या 3 महीने में एक बार हो। और कुछ नियम बनाने पड़ेंगे जो सभी को मान्य होंगे।
तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। जी, क्लब को चलाने के लिए नियम का होना बहुत ज़रूरी है, वरना सभी बच्चे या जो भी सदस्य है इस क्लब के, वह किसी भी तरह से हरकत करके क्लब का सुचारू रूप से चलना मुश्किल में ला देंगे। 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो, उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिल हो, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा, ध्वज या झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलते हो, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तिपहिया स्कूटर। अब सब्जी एक और नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ नाम दिए हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, घिया। अब मैं बता सकती हूँ, काशीफल को महाराष्ट्र में भोपला कहते हैं और यूपी में ऊपर नॉर्थ इंडियन में काशीफल। कोहड़ा महाराष्ट्र में कहते हैं, कुम्भड़ा उत्तर प्रदेश में। नेनुआ बिहार में कहते हैं और महाराष्ट्र में से घोसाड़ी कहते हैं। तोरी कहते हैं पूरे महाराष्ट्र भारत भर में और महाराष्ट्र में से शिराड़ी कहते हैं। सभी जो हिंदी में उसे जिसे आलू कहते हैं, गुजरात में जिसे बटाटा कहते हैं, महाराष्ट्र में भी बटाटा कहा जाता है। घिया को दूधी कहा जाता है महाराष्ट्र में। बैंगन को महाराष्ट्र में वांगी कहते हैं। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कब्जे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, इसका भी पता करो। तो इस तरह से एक ही फल, सब्जी, भाजी, कांदा को गुजरात में डुंगरी भी कहते हैं और महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं, गुजरात में भी कांदा कहा जाता है। तो अब हम एक गीत सुनेंगे, कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, कोई जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना चढ़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक डूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। दामोदर अग्रवाल जी की ये कविता थी। धन्यवाद।